हेलो ऑल ऑफ यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। गाइज, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें से जो वाई ग्रुप का एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट आपका जारी हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे जो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि जो मैंने कहा था कि गाइज आपकी जो एयरफोर्स वाई ग्रुप है उसके अंदर आपकी स्टैंड बाई नहीं है, तो आपके एडिशनल स्टैंड बाई के अंदर कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो उससे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि खुशी के जो कि समाए जा रहे हैं, और उनको खुशी भी होना जायज है, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की उसका फल उनको मिला, ये एक सबसे बड़ी। और देखिए, सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स का इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन गाइज। एंड दोस्तों, आपके जो नए कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट्स अब की बार रह गए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। एंड गाइज, आप भी जो हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर अपनी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके कितने कैंडिडेट्स जो कि आपके इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर लिए गए हैं, सभी कैंडिडेट्स के डाउट भी बन रहे थे, उनको भी साथ में ही क्लियर कर लेंगे। तो चलिए नाउ दोस्तों, 2020 किसके लिए जो कि एक सौगात जो कि साबित हुआ, ये उन कैंडिडेट्स के लिए हुआ जो कि गाइज इनका नाम आ चुका है अपनी जो लक्ष्य जो किया था उसका। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जो उम्मीद करता हूँ कि आपने चेक भी कर लिया होगा एडिशनल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट्स आपके लिए गए हैं। आपके 50 कैंडिडेट्स को आपके नाम जो कि आए हैं। क्या सभी कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल आपका पूछा जा रहा था। और दोस्तों, मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैंने एक्स ग्रुप का एडिशनल जो कि डाउनलोड करके ओपन किया था, तो एकदम आपका कोरे पेज थे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशी, और यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जिनकी स्टैंड बाई आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए, टोटल 50 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। क्या इन 50 कैंडिडेट्स को आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ये भी एक सवाल है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको स्टैंड बाई है, और स्टैंड बाई जो होती है वो आपकी क्लियर होगी, ये होगी आपकी वहां पे कितनी सीट जो कि अभी आपकी जो कि वहां पे खाली रही है, उसके आधार पे आपको जो यहां पे सिलेक्टेड किया जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक मानना है दोस्तों, आपके लगभग आपके जो कि कितने कैंडिडेट्स आपके स्टैंड बाई में आएंगे, तो यहाँ पे लगभग आपके 20 प्लस कैंडिडेट्स का नाम आपको देखने को मिल सकता है। और वो कौन कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों, जो कि आपकी रैंक वाइज क्लियर आपकी होने वाली है, यानी जिन कैंडिडेट्स का रैंक वाइज यहाँ पे क्लियर होगा, और आपको यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का स्टैंड बाई आ चुका है। और ये स्टैंड बाई जो दोस्तों, आपको पता हो तो एक्स ग्रुप में भी बहुत ही कम स्टैंड बाई क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे सवाल यही कह जाता है कि वाई ग्रुप में भी देखिए 50 कैंडिडेट्स लिए हैं, तो कम से कम आपके इतने कैंडिडेट्स ही आपको लिए जाएंगे, सारे के सारे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ना ही एयरफोर्स कभी ऐसा करता है। तो जिन कैंडिडेट्स का इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया, सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड नए कैंडिडेट्स को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप जो डिसाइड करते हैं, अब आप उससे भी ज़्यादा डिसाइड कीजिएगा नंबर को। आपको दोस्तों 40 प्लस की अब जो आपको मुहिम जो कि रखनी है, यानी आपके जो कैंडिडेट्स वाई ग्रुप के हैं, आपने सोचा है उससे भी थोड़े और अधिक नंबर सोचकर, और उस पर आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आप जो लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो चलते ही है, मुझे पता है। तो दोस्तों, आपको जो इस पर जो अपनी जी जान लगा देनी है, जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है उनको मैं कहूँगा बिल्कुल भी आपको यहाँ पे
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपने बहुत ही हार्ड वर्किंग किया है। लेकिन दोस्तों ये एक खेल है, खेल जो आपको खेलते रहना है आउट, और दोस्तों आपके विनिंग जो है आपके इस प्रकार ही मिलते रहते हैं, आप हार्ड वर्किंग इस प्रकार ही करते रहें। और आपको जो कैंडिडेट्स नए हैं जो अब एग्ज़ाम देंगे, जो कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, तो आपको भी उस प्रकार से देखना होगा, क्योंकि दोस्तों जिन कैंडिडेट्स का मेन के अंदर आ जाता है वो कैंडिडेट्स आपके फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं आपके लगभग उसमें से 100% कैंडिडेट्स। लेकिन कुछ आपके अगर आपने कोई जो कि लापरवाही बरती है उन्हीं कैंडिडेट्स को बाहर करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो आपको यानी दोस्तों आप लक्ष्य डिसाइड करें तो आपको मेन तक आने का लक्ष्य डिसाइड करना होगा, ताकि आपके और अब आप जो 40+ सोचना स्टार्ट कर दीजिए वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स, जिससे आपके मेन के अंदर आपकी एंट्री हो सके और आप जो सिलेक्टेड हो सकें और आपको नौकरी मिल सकें। तो गाइज सभी कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर आप में कब प्रेजेंट होना है, तो प्रेजेंट की भी डेट आपकी आ चुकी है, यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट आप देख सकते हैं जो कि 2/9/2020 आपको यहाँ पे, और ESC 1 के कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम मेंशन किया हुआ और आपको यहाँ पे स्टैंड बाई भी मेंशन की हुई है। और आपको पहुँचना कहाँ पे है, तो ATS जो कि नलिया के अंदर आपको पहुँचना है, तो नलिया का मैंने रिव्यू आपको दिया हुआ है। मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, बट आपके साथ दोस्तों इतना हो सकता है कि वहाँ सीट नहीं है, तो आपको जो वहाँ पे स्टैंड बाई जितनी क्लियर होगी उतना ही वहाँ पे लिया जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसी आपको अपडेट करना था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपके आने वाली जो नई PD के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।